skin the color of bark. Clothes smelling like trees, sticking my fur from my roots. मुझे मेरा परमाणु हथियार दिखाओ, जल्दी करो जल्दी करो। क्या ये बियरल ऑफ डूम रॉकेट है? ये मेरा हथियार है, मुझ पर हंसा जाएगा। मेरे सभी दोस्तों के पास परमाणु हथियार है, अहमदानी जार के पास भी है, जबकि वो एक चिंदी सा चाय वाला देखता है। मेरा परमाणु कार्यक्रम का प्रधान और औरतों का दलाल किधर है? लाओ उसे। कहाँ है न्यूक्लियर नडाल? आपने नडाल को मरवा दिया है सुप्रीम लीडर। मैंने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम लीडर। नडाल, हम कुछ ही महीने दूर हैं वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के शोधन से और हम तैयार हैं मिसाइल टेस्ट करने को अगले हफ्ते। ये ऊपर से बहुत गोल है, इसे नुकीला होना चाहिए। गोल डरावना नहीं लगता, नुकीला डरावना होता है। इसे देखकर तो दुश्मन हंसने लगेंगे, वो सोचेंगे किसी रोबोट का सामान उनकी तरफ उड़ के आ रहा है। नहीं, सुप्रीम लीडर, मिसाइल टॉप के शेप का एरोडायनामिक से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जमीन पर गिरता है और फिर कबूम। एक बात बता देना चाहूंगा सुप्रीम लीडर, मेरे ख्याल से बॉम्ब्स के बारे में आपका ज्ञान कार्टून से आया है। बकवास, मैं रिसर्च फिल्म्स देखता रहा हूं। बस एक ही सवाल है कि क्या उस फिल्म में एक डक थी जिसकी चोंच विस्फोट होने के बाद घूमकर सिर के पीछे चली जाती है और फिर उसे बोलने के लिए वापस लाना पड़ता है, इस तरह? हाँ, वहाँ कोई था जिसे वैसी डिफॉर्मिटी झेलनी पड़ी थी। ओके, हाँ। अब मैं 100% श्योर हूँ कि आप कार्टून्स देख रहे हैं। हैव यू स्पोकन टू द एक्सपर्ट्स अबाउट दिस? हैव यू कंसल्टेड प्रोफेसर बोबाई? हु? Professor Bobai, the one with the incredibly strong forearms that are mis-sized for his body. The man you are discussing is called Bobai. Bobai? He is not a professor. Bobai is, as the song tells us, a sailor man. Acha, ek kaam karo. Ek second ke liye dikhawa karo ki main ek idiot hoon. Theek hai, chalega. Explain to me how this bomb will not land in Israel and then literally bounce right back and blow up Wadiya. Supreme Leader, let me explain to you. You've lost me. This is the missile in Wadiya. You push the button. Boop. Israel. No! Why? Nuclear winter. The reality is... Believe me, sir, if I could make the device even a little more pointy, I would, but I simply cannot. Okay. चलो एक काम करते हैं, सहमत हो जाते हैं सहमति पर, ठीक है? ओके। क्या? क्यों? नहीं! क्या आपको याद नहीं? बेशक मुझे याद है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी याददाश्त पर सवाल करने की? मुझे सब याद है। ओ, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। वेल डन मेरे दोस्त। रुको, कहाँ जा रहे हैं? एडमिरल जनरल, क्यों ना हम बस यूनाइटेड नेशंस को बता दें कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं, वो ये बंदिशें हटा देंगे और हम आजाद होंगे ऑयल राइट्स बेचने को। जल अंकल तामीर, क्या आपको याद नहीं मेरे स्वर्गीय पिता ने मरते वक्त मुझसे क्या वचन लिया था? वो ये था कि वादिया का तेल कभी नहीं बेचा जाएगा। आपको याद होगा तभी उन्होंने मुझे सत्ता सौंपी बजाय आपके जो जायज वारिस थे, लेकिन आपको इस बात से मिर्ची नहीं लगी। अब चलो पैलेस में वापस चले और सीजन फिनाले देखें। रियल हाउसवाइफ्स ऑफ शहान मखालिक खालिक खाखुआ।
मार डालूंगा। लगता है हमें नया हमशक्ल ढूंढना होगा, क्योंकि ये वाला तो पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। वो ठीक नहीं होगा सर, वो मर चुका है। चॉकलेट कवर्ड आलमंड नट्स इन अ सेलोफेन रैप बॉक्स, डिलीशियस। वी आर गोइंग टू सेंड योर वाइफ सम आलमंड्स, चॉकलेट कवर्ड वर्जन्स ऑफ दिस ऑफ योर मरूश। आई थिंक आई ड्रॉप्ड एन आलमंड in his head. Can you take it out? What I don't want to do is send the body to the family and then they discover an almond in his head and they say, why is there an almond in his head? Take it out. Clean it. I'm not, how am I going to eat that? Don't eat it. Oh, Marouche. Listen, everything's going to be just fine. मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूं? पता है बहुत बदतमीजी है किसी की आंखों में ना देखना जब वो आपसे बात कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है। हमने गलत आदमी को शूट कर दिया। मैं ये ठीक कर सकता हूं, नया प्लान है। हमें एक दूसरा डबल ढूंढना होगा, कोई सीधा साधा इंसान जिसे आसानी से ठगा जा सके।